हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही कमाल का ट्रिक्स लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये कोई ट्रिक्स नहीं है, ये कोई मैजिक भी नहीं है, लेकिन मैं आज जो इस वीडियो में दिखाऊंगा, इस वीडियो से आपका यार दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका भाई बहन बेटा जो भी होगा, उसको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होने वाला है, आपका भी होगा। दोस्तों, इससे क्या होता है, आपका जो एजुकेशन क्वालिटी है वो हाई कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हो तो इस ट्रिक से आप इंग्लिश 100% सीख सकते हो। अगर आप हिंदी नहीं जानते हो तो हिंदी भी 100% सीख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप दुनिया का कोई भी लैंग्वेज इस ट्रिक्स की मदद से 100% सीख सकते हो। तो सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहेगा। मैं इस वीडियो में आप लोगों को ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, क्योंकि ये करोड़ों रुपए का ट्रिक्स है मेरे दोस्त, आप लोगों को ये बहुत ही काम पे आने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दो, मेरा वीडियो के नीचे रेड कलर की इस तरह का एक सब्सक्राइब बटन होगा, देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह का रेड कलर का बटन होगा। दोस्तों, इसको व्हाइट कर देना, क्योंकि हम लोगों को पता है रेड यानी कि खतरों का निशान। तो दोस्तों, हम लोग जो क्या करते हैं, इस खतरों को निशान को मिटा देते हैं। तो गाइस, इस खतरों को निशान को मिटाने के लिए सिंपली आपको उस जगह पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे तो इस तरह का वो रेड कलर जो था वो व्हाइट हो जाएगा, और उसके बाद जो है आपको क्या करना है, उसके साइड में एक घंटे का निशान आएगा, उसको भी दबा देना है। इससे क्या होगा, आप जो है खतरों का निशान पूरी तरीके से मिट जाएगा, वो पूरी तरीके से व्हाइट हो जाएगा। और अब मैं शुरू करता हूँ अपना ट्रिक्स। जी हाँ दोस्तों, ये देख सकते हो मेरा व्हाट्सएप है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस तरीके से आप जो क्या है, दुनिया का कोई भी एक लैंग्वेज आप जानते हो, बाकी कोई भी लैंग्वेज नहीं जानते हो, तो दोस्तों मैं बाकी सारे लैंग्वेज जान सकते हो, और वो भी पूरी 100%। तो इस ट्रिक से आप लोग जो है अपना लैंग्वेज क्वालिटी जो है, भाषा का जो क्वालिटी, वो 100% कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मैं मान लीजिए आप इंग्लिश जानते हो, इंग्लिश पूरी तरीके से जानते हो, लेकिन हिंदी नहीं जानते हो, ऐसा मान लीजिए, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी मान लो आप हिंदी जानते हो इंग्लिश नहीं जानते हो। तो पहले मैं इंग्लिश को दिखा देता हूँ, ओके। अब मैं दिखा देता हूँ, मान लीजिए आप इंग्लिश जानते हो, तो मैं इंग्लिश को लेफ्ट साइड में रखूँगा, और मान लीजिए आप हिंदी नहीं जानते हो तो राइट साइड में मैं हिंदी रखूँगा, मतलब जो मैं लिखूँगा वो हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। मान लीजिए मैं इंग्लिश जानता हूँ तो मैं अभी इंग्लिश में टाइप करूँगा जो भी, और ऊपर जो है वो हिंदी में अपने आप ट्रांसलेट हो जाएगा। देख सकते हो मैं हाय लिखा हूँ तो ऊपर लिखा आया है नमस्ते, हाय का मतलब होता है हिंदी में नमस्ते। तो मैं अब दूसरा वर्ड भी चीज़ टाइप करता हूँ, तो मैं इस बार टाइप करूँगा, जो भी मैं टाइप करूँगा वो ऊपर जो है अपने आप ऑटोमेटिकली हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। अब मैं लिखूँगा हाउ आर यू, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो जैसे मैं हाउ आर यू लिखते जा रहा हूँ, ऊपर देख सकते हो क्या हाल है हिंदी में आ गया। आप इसी तरीके से हिंदी में टाइप करेंगे तो इंग्लिश कर सकते हो, अगर आप हिंदी से इंग्लिश करना चाहते हो कर सकते हो, इंग्लिश से बांग्ला करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे पूरा 200 लैंग्वेजेस है, तो आप लोगों को सिंपली जो है यहाँ पे टाइप करना है और इस तरफ से अपने आप ट्रांसलेट हो जाएगा। दोस्तों, ये जो ट्रिक्स है ये आपका भी काम आएगा, आपका यार दोस्त रिश्तेदार भाई बहन बेटा बंधु कोई भी हो, आप चाहे कोई भी हो, आपका भी काम पे आएगा। इस ट्रिक्स से जो है आप अपना एजुकेशन क्वालिटी और हाई कर सकते हो। या दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो मैं आई लव यू लिखा हूँ, ऊपर देख सकते हो लिखा आया है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जो भी लिखेंगे वो सेकेंड, एक भी सेकेंड नहीं लगेगा, पलकों में ये ट्रांसलेट कर देगा और ये हैंड टू हैंड कर देता है। दोस्तों, इसके लिए सिर्फ आपको क्या चाहिए, नेट कनेक्शन, और इस टाइम में इंडिया का 95% लोग जो है इंटरनेट यूज़ करता है। तो दोस्तों, क्यों ना हम अपना एजुकेशन क्वालिटी की उसके साथ साथ में हाई कर ले। और दोस्तों, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं लगेगा, एकदम फ्री है ये एप्लीकेशन। इसके लिए एप्लीकेशन की ज़रूरत है तो दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरीके से करना है। आप मान लीजिए मुझे हिंदी आता है इंग्लिश नहीं आता है, तो मैं हिंदी में टाइप करूँगा, ऊपर ऑटोमेटिकली इंग्लिश हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो मैं नीचे हिंदी टाइप किया, तो मैं टाइप करना ज़्यादा स्पीड नहीं है मुझे हिंदी, तो मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करूँगा, ओके। आप कहीं से भी कॉपी करके भी पेस्ट करेंगे तो भी ये अपने आप ट्रांसलेट कर देगा, ये ऐसा ही है। तो दोस्तों, मैं इसको देख सकते हो हिंदी से इंग्लिश कर रहा हूँ, क्या हाल है लिखा, ऊपर हवा यू आ गया। दोस्तों, ये बहुत ही कमाल का ट्रिक्स है, मैं ज़्यादा बक बक कर रहा हूँ, तो दोस्तों आप लोग ज़रूर इसको सीख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा,
और दोस्तों मैं जो मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए फ़ायदा के लिए इस चैनल पर वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपना यार दोस्त रिश्तेदार सबसे शेयर भी कीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। देख सकते हो आप, मैं कोई बड़ा सा पैराग्राफ भी अगर वहाँ पे पेस्ट करूँगा तो भी उसको ट्रांसलेट कर देगा, आप कहीं से भी ये ट्रांसलेट कर सकते हो, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोई चार्जेस ज़रूरत नहीं है। तो मैं अब बड़ा सा एक पैराग्राफ ले आऊँगा तो उसको भी मैं ट्रांसलेट करूँगा और इसके लिए जो है एक सेकेंड भी टाइम नहीं लगता, आपका टाइप करने से पहले ही ये ट्रांसलेट कर देगा। ये सोच लीजिए आपका टाइप जितना स्पीड होगा ये ट्रांसलेट भी उतना स्पीड से ही कर देगा। देख सकते हो मैंने पेस्ट कर दिया, साथ साथ ये ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में, मैंने हिंदी में लिखा था वो हिंदी इंग्लिश में कर दिया, तो मैं हिंदी वाला भी यहाँ पे पेस्ट करते करते दे रहा हूँ, तो आप लोग इसको पढ़ के देख लीजिएगा क्योंकि ये कोई गलत उलत नहीं देता है, एकदम 100% प्योर देता है। तो मैं इसको बंगाली में भी करूँगा क्योंकि मैं बंगाली हूँ, तो मैं बंगाली में भी करके दिखा देता हूँ। दोस्तों ये देख सकते हो मैं हिंदी का पैराग्राफ लाया, उसको इंग्लिश बनाया, बांग्ला बना दिया, कोई भी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर सकते हो। इससे जो है आपका लैंग्वेज क्वालिटी भी हाई हो जाएगा, एजुकेशन क्वालिटी हाई हो जाएगा, तो इस वीडियो को आपका और आपका यार दोस्त रिश्तेदारों को बहुत काम पे आने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा उन लोगों से जिनका इस वीडियो से फ़ायदा हो सकता है, तो उन लोगों को ज़रूर इस वीडियो को देखने में मदद कीजिएगा, चाहे वो आप व्हाट्सएप में शेयर करो या तो फिर फेसबुक में। तो आप दिखा देता हूँ आप लोगों को क्या करना है इस ट्रिक्स के लिए, सिंपली आपको प्ले स्टोर में जाना है और उसमें से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। मैं इसका एप्लीकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी कर सकते हो। सिंपली आपको प्ले स्टोर में लिखना है गूगल कीबोर्ड लिख के आपको सर्च करना है और जैसे आप सर्च करेंगे सबसे ऊपर जो एप्लीकेशन आएगा इसी को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है, और डाउनलोड एंड इंस्टॉल हो जाएगा तो इसमें और कोई काम नहीं करना है, आपको सिंपली बाहर जाके थोड़ा सेटिंग्स सेट करना है, तो मैं अभी दिखा देता हूँ आप लोगों को, सिंपली इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है। ओके, अब मैं दिखा देता हूँ आपको क्या करना है। अब अभी जो है इसको कहीं से भी आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट्स में, मैसेज में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में कहीं भी टाइप करोगे तो वो ये ट्रांसलेट कर देगा, सिर्फ आपका इंटरनेट कनेक्शन को ऑन रखना पड़ेगा। तो मैं अपना डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को दिखा देता हूँ, वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, सिंपली आप लोग देख सकते हो बाई तरफ एक जी का निशान है, इस एप्लीकेशन जब भी डाउनलोड करेंगे तो ये निशान आ जाएगा, तो सिंपली आपको इस निशान पर क्लिक करना है। गूगल कीबोर्ड डाउनलोड करोगे तो इसमें क्लिक कर देना, क्लिक करने के बाद इस तरीके से एक मेनू खुल जाएगा और इस मेनू का सबसे बीच वाला जो बटन है ये ट्रांसलेट का है, इसमें क्लिक करना है आपको। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो ऊपर देख सकते हो, ऊपर में देख सकते हो इंग्लिश यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आप जो लैंग्वेज जानते हो सिंपली इस जगह पे उस लैंग्वेज को आप सिलेक्ट करना, जिस लैंग्वेज पे आप टाइप कर सकते हो इस जगह पे उस लैंग्वेज सिलेक्ट करना, एंड राइट साइड में आप जिस लैंग्वेज पे जो है इसको ट्रांसलेट करना चाहते हो राइट साइड में उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना। ओके, सिंपली आप इस जगह पर क्लिक करेंगे तो आपका लैंग्वेज जो है सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं कुछ टाइप करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पे आई लव यू टाइप करूँगा और ऊपर देख सकते हो ऑटोमेटिकली इंग्लिश में टाइप कर रहा हूँ आई लव यू, एंड ऊपर आ रहा है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर देगा। अब कहीं भी टाइप करो उसमें ही ये ट्रांसलेट कर देगा। तो मैं अब इसको दूसरा लैंग्वेज बना दूंगा, सिंपली मैं ट्रांसलेट करने वाला जो लैंग्वेज है उसको चेंज कर देता हूँ, उसको मैं दूसरा लैंग्वेज बना दूँ, बंगाली कर दिया। देख सकते हो आप, देख सकते हो ये बंगाली में आ गया, हमें तुम्हारे तुम्हारी भालोबासी। जी हाँ दोस्तों, आई लव यू का मतलब यही होता है। दोस्तों आप लोग इस तरीके से जो अपना एजुकेशन क्वालिटी हाई कर सकते हो और भी ज़्यादा जो आपको नहीं पता है वो भी ये जो है एप्लीकेशन आपको सिखा देगा। दोस्तों ये मोबाइल आजकल के दिन में जो है ना एक टीचर से ही बहुत ज़्यादा है, मोबाइल से आप लोग इतना कुछ सीख सकते हो आप लोग जानते नहीं हो, आपका मोबाइल में इतना सारा ज्ञान है, आपको कोई मतलब स्कूल का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये इतना कुछ सिखा सकता है। लेकिन दोस्तों आप लोग जो है इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा होने वाला है, जो लोग इंग्लिश जानता है हिंदी नहीं जानता है, जो लोग हिंदी जानता है इंग्लिश नहीं जानता है, वो लोग जो है अपना लैंग्वेज क्वालिटी पूरी 100% कर सकता है। जिसको भी नहीं पता है वो यहाँ पे टाइप करेगा तो सिंपली उसका क्वेश्चन का सवाल जो है वो सॉल्व हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो का ट्रिक्स। तो दोस्तों ये ट्रिक्स आपका बहुत काम पे आने वाला है, ये मेरा दावा है और मैं आप लोगों से चैलेंज भी करता हूँ, इससे आपका जो लैंग्वेज क्वालिटी है 100% देगा दोस्तों। तो आप एक इम्पॉर्टेंट बात है, आप लोग ज़रूर उसको ध्यान से सुनना। सो गाइज, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक एंड व्हाट्सएप में शेयर करो, ताकि जल्दी से जल्दी ये वीडियो दूसरों तक पहुंच सके। और अगर इस वीडियो के बारे में कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर करना। एंड सबसे खास, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को नीचे जो रेड कलर की सब्सक्राइब बटन है उसमें क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे वाले बटन को ऑन कर देना, ताकि जैसे ही आप इस घंटे वाले बटन को ऑन कर देंगे आपके पास हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप हर एक वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। सो गाइस, मेरा वीडियो इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।